नमस्कार, मेरा नाम गौरव चौहान। मैं आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर और एक योगा थेरेपिस्ट। आज सेहत की बात में बहुत ही बढ़िया टॉपिक, मेरा फेवरेट है एक तरह से माने तो, स्लीप, और उसमें भी गुड स्लीप की निंद्रा, और कैसे आयुर्वेद में, योग में निंद्रा के इतने तरीके हैं, पर फिर भी क्यों हो रहा है कि आजकल इतना कॉमन हो गया है स्लीपलेसनेस, स्लीप एपनिया, या लोगों को दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, है ना, और सो भी रहे हैं तो सब कुछ हिला हुआ है, सुबह उठ के फ्रेश क्यों नहीं लग रहा है। तो आज चलिए आज इसी पर ही बात करते हैं, देखते हैं क्या हम समझ पाएंगे स्लीप को कि नहीं। शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले ये समझते हैं कि स्लीप हो क्यों नहीं पा रही है, क्या चल क्या रहा है अभी जीवन में। इतनी भगदड़ वाली जिंदगी हो गई है, सब इतना जल्दी 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 सब करना चाह रहे हैं और सब कुछ उसी 24 घंटे में करना चाह रहे हैं, कि जिसकी वजह से हमारे स्लीपिंग आवर्स कम हो गए, है ना। घंटे सबके साथ ऐसा हो गया है कि कोई मुश्किल से 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा सो पा रहा है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि 8 घंटे का जो सिस्टम है, चलो 7 घंटे भी मान लेते हैं, वो जो सिस्टम है वो बहुत ज़रूरी है। वो आपके अंदर से बॉडी को क्लेंस करता है। अंदर बहुत सारे सिस्टम हैं, आपको अगर पता हो, आपका ब्रीदिंग का अलग है, हार्ट अलग है, डाइजेशन अलग है, सब पर ब्लड को, सिस्टम को जाकर टॉक्सिक्स, स्पेशली ब्रेन को टॉक्सिन्स को क्लीन करना है। आप ये अगर आप लोगों ने देखा हो, कभी रात में अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो एक गाड़ी होती है जो रोड को साफ कर रही है, ऐसे गोल 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 उसके नीचे चल रहा है। वो गाड़ी मान लें कि आपके शरीर में एक सिस्टम है जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को पकड़ के रखेगा। अब वो गाड़ी आ ही नहीं पाती क्योंकि आप समय पर सो नहीं रहे हैं। अगर आप 9:30-10 बजे नहीं घुस रहे हैं, अपने बेड में नहीं सो पा रहे हैं, वो गाड़ी आपका वेट कर रही है कि ये सोए तो मैं सफाई करूं, है ना। 11 बज गए, अभी भी गाड़ी चल नहीं पा रही, सफाई के लिए नहीं पा रही। 1 बज गया, आप अभी भी नहीं सोए हैं। तो ये जो है, अब आपके जो डोपामिन और ये जो जितने भी हैप्पी हार्मोन्स हैं लाइन से, ये तो आप भूल जाओ, अगला दिन तो खराब ही होने वाला है, तो हैप्पीनेस तो भूल जाएं। दूसरा जो सिस्टम में डाइजेशन होना था, जो क्लेंजिंग होनी थी, जहां जहां टॉक्सिन जमा है साफ होने थे, वो भी गए। अगला कि आपकी जो मेमोरी थी, जो कल का दिन था, जिसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाना था या जिसे कहीं और जाना था, वो ऐसे याद है कि जैसे अभी हुआ हो सब कुछ, क्योंकि आपको जो पिछला है उसको भूलना है और माइंड को, ब्रेन को टाइम देना है ये सोचने के लिए कि इसको रखना कहाँ है। इज दिस इंपॉर्टेंट तो मैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखूँ, इज दिस नॉट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखूँ, मेमोरी भी हिल जाती है। इसीलिए आप देखें, जिन लोगों की स्लीप हिली हुई है उनके साथ मेमोरी की इश्यूज रहेगा, है ना, वो जल्दी जल्दी भूलेंगे, पासवर्ड्स भूलेंगे, चाबी कहाँ रखी है ये भी भूल जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया स्लीप। अब इसका इलाज क्या है, कैसे ठीक करें सबको। सबसे पहला, मदिरापान, अल्कोहल से बचें रात में। अब आप बोलेंगे कि यार पार्टी तो रात को ही होती है, समझ गया। कोशिश करें कि रात को सोने से पहले आपका मदिरापान ना हुआ हो, आपने हैवी खाना ना खाया हो, है ना, जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड है, हैवी होता है वो, शरीर के लिए ठीक नहीं है, वो ना हुआ हो। और खाना जो है, अगर आप नॉर्मल खाना भी खा रहे हैं तो उसमें 2 से 3 घंटे का गैप हो आपके खाने में, क्योंकि अगर आप हैवी पेट के साथ सोने जाएंगे तो डाइजेशन तो एक और बात है कि वो नहीं हो पाएगा, दूसरा बात कि आपकी स्लीप हिली रहेगी। और आप ये मदिरापान का भी मैं बताऊं, जो लोग पी के सोते हैं उनको लगता है कि हाँ नींद आ गई, पर उनकी पूरी रात खराब हो जाती है, पूरी रात उनकी हिली रहती है, अगला दिन भी खराब हो जाता है ना जिसको। बट एनीवे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ गया कि आपकी बॉडी का एक रिदम है, सर्कैडियन रिदम है, रोज जितने आप, जैसे सिस्टम है वो, उसको आदत है कि इतने बजे सोना, इतने बजे ही उठना, वो अगर आप हिलाते रहेंगे, कभी 1 बजे सो रहे हैं, कभी 11 बजे सो रहे हैं, वो हिलता रहेगा, वो सिस्टम हिल जाएगा, फिर आपका दिन फिर से मेमोरी खराब, डाइजेशन खराब, सब कुछ घूम के इसी पे आ जाएगा। लाइट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके कमरे में कैसी लाइट हो, सोने के समय डिम कर दें, इनफैक्ट जब सो रहे हैं तो एकदम अंधेरा हो जाए, एकदम अंधेरा, ऐसे कि पर्दे भी थोड़े से मोटे हों, कि बाहर से एक लाइट का कुछ भी ना समझ आए, बाहर कैसी भी लाइट है ना, तो एकदम अंधेरे में ही आपको बढ़िया नींद आएगी। अच्छा, ये स्मार्टफोन से बचें, मैं बहुत मुश्किल है ये कर पाना, बट स्मार्टफोन, टीवी, गेम्स, ये सब जो रात में ही मन करता है कि अभी ये देख लेते हैं, क्योंकि दिन में तो आप बहुत बिजी थे,
तो वो आपको रेस्ट नहीं दे रहा है, आपके दिमाग को और एक्टिव कर रहा है। और वो जो ब्लू लाइट है वो तो एकदम ही गलत है, उसने तो आपके जो मेलेटोनिन के नाम से जो हार्मोन है वो आना था, उसकी जगह सेरोटोनिन को एक्टिव करके रखा है, तो उससे बचें, है ना। ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इनका ध्यान रख पाएंगे तो मुझे लगता है कि आपकी स्लीप का पैटर्न थोड़ा बनने लगेगा, और गुड स्लीप जो कि आपने कभी देख, अभी सोचा है कि एक तो सपने आते हैं, एक ड्रीमी टाइम रहता है कि सपने आ रहे हैं तब भी दिमाग चल रहा है, एक स्लीप होती है जब आप सुबह उठते हैं, आप बोलते हैं कि यार मज़ा आ गया, सो के मज़ा आ गया। वो जो सुषुप्ति वाली टाइम है जब आप ना आपका ब्रेन फंक्शन कर रहा है ना बॉडी फंक्शन कर रही है, ड्रीम से आगे जाना है हमें, है ना, नेक्स्ट स्टेज पे, ड्रीम की स्टेज को पार करना है, ठीक है। कोशिश करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, फिर से ध्यान दें। और अगर आपके कोई इश्यूज हैं स्लीप को लेके तो कमेंट बॉक्स में डालें, अगर हम चाहें अब अगले एपिसोड में फिर से एक बढ़िया एपिसोड बना के लाएंगे और आपके कमेंट को लेके उसमें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देखने का, आपका दिन शुभ हो।